गुड मॉर्निंग रेस्पेक्टेड लिसनर्स डियर यू ए हैप्पी दिवाली ए फेस्टिवल ऑफ लाइट वर्सी फॉर वेल्थ रोशनी का त्यौहार और दौलत की पूजा दौलत के बिना दलित बन जाता है दलित किसी जाति का नाम नहीं तो राजस्थान से देशी और विदेशी मीडिया राजस्थान की गिनोनी सूचना इस रोशनी के त्योहार पर जो साझा की जा रही है ढाई सौ परिवारों ने दो सौ पचास परिवारों ने बुद्धिजन अडोप्ट किया मैं शासन को ये कहूंगा चाहे किसी भी देश का हो शासन सुख और दुख की एक पहेली का नाम है अगड़ा और पिछड़ा करने का नाम है ऊंचा और नीचा करने का नाम है गरीब और अमीर करने का नाम सत्ताएं धन प्राप्त करती हैं और धन में शक्ति होती है सारा खेलूसी के साथ दौड़ता है इसलिए मैं दीपावली पर्व का सबसे अपार महत्व है अन्य धर्मावलंबी भी इस पर्व को मनाएं सिर्फ हमसे खुशियां साझा न करें इस दौलत के पर्व को इस रोशनी के त्यौहार को मनाएं और सभी लोग उसमें को दौलत की पूजा तो सभी करते भी हैं कोई स्वीकार करे या न करे दौलत में शक्ति होती है दौलत वाला कभी दलित नहीं होता इसलिए मैं सत्ताओं से कहता हूँ कि आप देशों में प्रदेशों में और दुनिया में हमने पहले कहा था वी वॉन्ट टू लीड टुवार्ड्स ग्लोबल थाट और चैनल भी अपने साथ बहुत जल्दी धीरे धीरे हिंदी वर्जन के साथ साथ इंग्लिश लेक्चर बढ़ाएगा नाउ डेज इंग्लिश इज ए ग्लोबल लैंग्वेज दुनिया से जुड़ने का सशक्त माध्यम है एक मजबूत बॉन्ड है अंग्रेजी लोगों को जरूरत है दौलत दौलत आएगी रोजगार से लोगों को रोजगार दिया जाए बगैर संसाधनों को किसी को उद्योगपति बनाने सपने दिखाना मूर्खता ज्यादा कुछ नहीं है बैंक लोगों को लोन देने के लिए और सरकारी जॉब देने के लिए नौकरी हाथ में लेकर खड़े हों छोटे छोटे वेतन की मैंने पहले बताया था एशियन कंट्री जहाँ हाथी और हरियाली पाए जाते हैं लोग पेट भरने के लिए दूर दराज के देशों में जाते हैं उनका पेट स्थानीय स्तर भरने दिया जाए उनको पूंजीपति बनाने की आवश्यकता नहीं बता रहा उनके बच्चों को शिक्षा और स्वास्थ्य के लिए धन देना राज्य का कर्तव्य है इस तरह की व्यवस्था दुनिया में सबसे अच्छी शेख साहब ने दे रखी जन्म के साथ प्रत्येक बच्चे को धनराशि जारी करनी शुरू कर दी जाती है यह आते और देश भी जितने भी हैं इनके धन बह रहा है प्रबंधन सीखें और लोगों को अच्छा जीवन दें भारत के जयपुर जिले और बेल्जियम आब की आबादी और आंकड़ों की तुलना करके देखें जयपुर पिछड़ा रात विकसित क्षेत्र है उसकी जीडीपी बेल्जियम के राव चाहिए हम पड़ोसी कि अच्छे बच्चे शिक्षा ले रहे हैं और अपने को शिक्षा दे रहे हैं कि आप भी उसके तरह जल्दी उठें शेयर करें ये मैं एक विशेष बात साझा कर रहा हूँ राजस्थान सरकार से कि जयपुर जिले की, की आबादी और यूरोप के कई देशों की आबादी लगभग बराबर है और जयपुर एक अति विकसित क्षेत्र है जो सियासतों से बड़ा जोहरत बाजार माना जाता है तो उनकी तुलना होनी चाहिए भारत चीन रसिया अमेरिका ब्राज़ील ये बहुत विशाल भूभाग के क्षेत्र हैं बहुत बड़े देश हैं छोटे छोटे देशों से इनकी कंपैरिज़न करना जैसे यू एन ओ जारी करता है मुझे केवल राशि आती है कि लाखों की आबादी आठ लाख आबादी का देश अठारह लाख आबादी का देश अड़सठ लाख आबादी का देश ये अड़सठ करोड़ से ऊपर है इनकी उन देशों की तुलना इनके जिलों से की जाए राज्यों से भी नहीं तो दौलत समाज के आखिरी कोने तक पहुंचे और वो रोजगार के माध्यम से जाएगी आज भी भारत में, में विश्व बिरादरी बताना चाहता हूं आरक्षण की व्यवस्था करके हमारी सरकारों ने अंतिम छोर पर बैठे समुदायों को जो बड़े बड़े पद और पुरस्कार नौकरियां प्रदान की उनके चलते समाज के मुख्य धारा के साथ ही नहीं वो परिवार मुख्य धारा से आगे बढ़े तो आज इसी को हमें फैलाना है बढ़ाना है और इकोनॉमिक मैनेजमेंट ग्लोबल कम्युनिटी से मैं कहूँगा कि ये गरीबी भूखमरी और बेकारी जैसे शब्दों का विश्व से खात्मा हो आज मैं जो मुख्य बात जो साझा कर रहा हूँ यूएन बीस भूमिकाओं आगे आ जाए सिर्फ आंकड़े जारी करके और चित्र न दिखाए सरकारें चित्र न दिखाई सरकारें ये अपनी नैतिकता के साथ साथ अनिवार्यता वो कहते हैं ना नॉट ऑप्शनल बट कंपल्सरी यही देखना है कि कौन राज्य और कौन देश प्रदेश और जिला गरीबी से बाहर आ पाएगा जैसे हमारी भारत की सिक्किम राज्य को भी मैं विश्वरादरी बताना चाहता हूँ दर्जा मिला था गरीबी मुक्त राज्य का तो ये नारा सरकारी नौकरियों के माध्यम से छोटे छोटे नौकरी के माध्यम से अठारह साल के दहली में पहुँचते जवान को और ग्रेजुएट होते ही ये भाई आप अपना लीजिए और आज से काम शुरू कीजिए काम बहुत है हरियाली बढ़ाने के लिए सफाई बढ़ाने लिए सुरक्षा बढ़ाने के लिए एक सभ्य शिक्षित सभी राष्ट्रों से मैं ये भी कहूँगा कि सब शिक्षित समृद्ध और सुरक्षित स्वस्थ यानी क्षय को अगर लें सकारात्मक उपसर्ग को सब कुछ अच्छा आ जाएगी शांति भी आएगी समृद्धि भी आएगी सौहार्द भी आएगा सम्भाव भी आएगा सद्भाव भी आएगा तो इन सभी बातों के साथ में ये पूरे समाज से कहूँगा कि आज हम इस दिशा में बढ़ें और अपने आकाओं को ये इस तरफ कार्य करने के लिए प्रेरित करें बाध्य करें प्रेरित करें धन्यवाद